हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको बेसन की मिस्सी रोटी बना के दिखा रही हूँ। आप इसमें चाहे तो एक कटोरी बेसन, एक कटोरी आटा ले सकते हैं गेहूं का, और चाहे तो दोनों ही बेसन से, पूरा बेसन से बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने छोटी छोटी दो कटोरी बेसन का बेसन लिया है। अब इसमें आप क्या दीजिए, हींग दीजिए। हींग देने से बहुत टेस्ट रहता है। ये देखिए, एक चम्मच, छोटा चम्मच के। और ये देखिए, प्याज देंगे, कटी हुई दो प्याज, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्च छोटी, और ये देखिए सारी चीज़ें मिलाई हुई है, जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, मैंने ये सेंधा नमक दिया है, एक चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, आपको न पसंद तो न दें, आप हरा धनिया भी दे सकते हैं। मैंने देखिए अदरक के छोटे छोटे पीसेस बनाए वो, और कस्तूरी मेथी भी आप दे सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इन्हें बस अच्छी तरह मिला के, और जिस तरह हम आटा मलते हैं वो आपको गूंद के दिखाती हूँ। आटा कैसे मलते हैं आपको दिखाया हुआ है। फ्रेंड्स, आटा मल लिया, अब गैस पे आप तवा चढ़ा दीजिए, और मैं आपको बताऊँ ये तंदूर बिना तंदूरी जैसी टेस्ट आएगा इसका। बस पेड़े बना लीजिए इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, रोटी बेलते कैसे हैं। ये पेड़ा लिया, इसमें थोड़ा सा आटा लगाएं, ज़्यादा नहीं, और रोटी बेलें जिस तरह रोटी बेलते हैं उसी तरह। ये देखिए फ्रेंड, रोटी तैयार हो गई। अब इसमें क्या करना है, इसमें आप चाहें तो ऊपर से और एक बार धनिया, आप चाहें तो लहसुन दे सकते हैं, मैं वो सब ऊपर से अधिक नहीं देती। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसे हाथ में लेंगे और इस तरफ, इसके एक तरफ हम पानी लगाएंगे। देखिए इस तरह, पहले क्योंकि हम इसे तंदूरी स्टाइल बना रहे हैं, तो इस पे एक साइड में हम पूरा पानी लगा लेंगे। ब्रश है तो आपके पास ब्रश से लगा लीजिए, नहीं तो हाथ से भी लगा सकते हैं। गृहणियाँ खाना हाथ से ही बनाती हैं, इसमें अपनापन आता है, प्यार आता है हमारा। ये देखिए, अब इसे आप तवा जो गर्म हो गया है उस पर पानी वाला साइड नीचे रखेंगे, और इसे आप हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लें। अभी एक तरफ से सिक गई है। अब इसे आप क्या कीजिए, तंदूरी तो है नहीं, गैस पे ही इस तरह आप धीरे धीरे करके दो या तीन मिनट, देखिए घुमा घुमा के इस तरफ से सेकना है। ये हो गई हमारी तंदूरी रोटी तैयार। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी तंदूरी रोटी तैयार, आपको बैक साइड दिखा रही हूँ। ये देखिए है ना, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पूरी सीख गई है। अब इसे आप ऊपर से क्या करें, अब आप घी मक्खन जो भी लगाएं, ये आपकी तंदूरी रोटी तैयार। ये देखिए, प्याज देके, बेसन देके, तंदूरी स्टाइल घर में ही बेसन की रोटी, प्याज वाली। आई होप यू लाइक इट। डू शेयर, डू सब्सक्राइब, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।